अध्यायस में आप सब लोगों का स्वागत है। और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, इंडियन आर्मी के बच्चों को खतरा एंड डेंजर। वी विल स्टार्ट विथ दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द नीड ऑफ द आर एट द मोमेंट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस फैलाना अभी इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है और पूरे इंडियंस के मतलब कि पास में ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। 17 ईयर्स आफ्टर गेटिंग इंडियन सिटीजनशिप, पाक ऑरिजिन मैन अरेस्टेड इन गुजरात फॉर स्पाइंग। तो यहाँ पे मतलब एक पूरी कहानी का नैरेटिव है जो कि गुजरात के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो मॉड्यूल है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है गुजरात ATS, उसने इसको बस्ट किया है, उसने इसका भंडाफोड़ किया है और पता लगाया है कि कैसे जो स्पाइंग हो रही है हमारे ऊपर, नज़र रखी जा रही है जो दुश्मन हमारा नेशन है उसके द्वारा। सो यहाँ पे आप पूरे स्टोरी को अच्छे से समझिए, पूरी जो एक कहानी है कैसे ये स्पाइंग हो रही है, कैसे हमारे इंडियन डिफेंस पर्सनल्स, आर्मी एयरफोर्स और नेवी के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं जो कि स्कूल में पढ़ते हैं उनके ऊपर जो हैं ये लोग स्पाइंग कर रहे हैं, उनके इन्फॉर्मेशंस को ये लोग जो हैं वो लीक कर रहे हैं और उनके पर्सनल डिटेल्स के थ्रू ये सॉफ्टवेयर्स, मैलवेयर्स, ब्लोटवेयर्स, ऐसा सब कुछ ये जो इंडियन डिफेंस पर्सनल है उनके फ़ोन में जो है वो डाले जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। लाभ शंकर दुर्योधन महेश्वरी जो नाम है इस गद्दार का, लाभ शंकर दुर्योधन महेश्वरी, सो ही इज़ अ पाकिस्तानी नेशनल जो कि तारापुर टाउन जो कि गुजरात में है, आनंद डिस्ट्रिक्ट में है तारापुर टाउन, वहाँ पे ये 1999 में आया था अपनी पत्नी के साथ। ठीक है, वहाँ पे ये रहा और उसके बाद इसने खुद को इस्टेब्लिश कर लिया और इसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है 2006 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुजरात ATS ने, गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने जो है इसको पकड़ा है कि इसने पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एजेंट्स की मदद की हमारी इंडियन आर्मी के जो वार्ड हैं, जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन जो कि आर्मी स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स को लीक करने में ये सारे डिटेल्स को लीक करके पाकिस्तानी एजेंट्स को भेज रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारी इंडियन आर्मी फीडिंग बिस्किट टू चिल्ड्रन समवेयर इन इंडिया। ओके, ATS ने ये कहा है कि महेश्वरी ने पाकिस्तानी एजेंट्स को एक इंडियन सिम कार्ड प्रोवाइड कराया है जिसके मदद से ये जो पाकिस्तानी एजेंट्स थे ये इंडियन डिफेंस पर्सनल के बच्चों के फोन्स को हैक करते थे। ठीक है, और जो जो कंसर्न व्हाट्सएप नंबर है और इस पर्टिकुलर इंडियन सिम कार्ड पे जो व्हाट्सएप भी चला रहे थे, वो सिम कार्ड अभी पाकिस्तान में है, उस पे व्हाट्सएप चल रहा है और वो अभी भी एक्टिव है पाकिस्तान में। ठीक है, और दे आर टारगेटिंग द फैमिली मेंबर्स ऑफ द इंडियन आर्मी पर्सनल। इंडियन आर्मी यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स टू द चिल्ड्रन। ठीक है, आफ्टर कमिंग टू तारापुर आनंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गुजरात में, तो ये महेश्वरी जो गद्दार है देशद्रोही, तो ये जब तारापुर में आया तो इसने एक लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई किया इंडिया में और इसके इन लॉज जो थे वो इंडिया में रहते थे, उनके मदद से ये सोची यहीं पे इस्टेब्लिश कर लिया इसने खुद को। और इस्टेब्लिश करने के बाद ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन गया, ये ग्रॉसरी स्टोर भी चला रहा था, ऊपर से इसने बहुत सारे मल्टीपल स्टोर्स भी खरीद लिए थे और उन सबको रेंट पे भी चला रहा था तारापुर में, और इसके एक घर भी है तारापुर में। तो आप सोचिए कि कैसे कैसे किस तरीके का एक नैरेटिव है, किस तरीके का एक सेटअप है, एक मॉड्यूल है जो कि हमारे नेबर्स हैं, जो हमारे टेररिस्ट नेशन है, जो हमारे नेबर है, दुश्मन है, वो हमारे खिलाफ चलाता है। दुश्मन ना सिर्फ हमारे बॉर्डर्स पे बैठा है, उस तरफ बैठा है, दुश्मन हमारे यहाँ भी बैठा है, चाहे किसी जाति धर्म का हो, दुश्मन जो है वो बॉर्डर के उस तरफ भी बैठा है और हमारे घर में भी बैठा है। सो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को रियलाइज करें, एनालाइज करें और हर जगह आपके समाज में, सोसाइटी में ऐसे लोग भरे हुए हैं, सो स्टे अवेयर एंड स्टे अलर्ट ऑफ दीज पीपल। ओके, आप देखिए कितने कितने प्रॉपर मॉड्यूल से, नैरेटिव से इसने खुद को सब कुछ अपना सेटअप कर लिया। ठीक है, इसके ये देखिए इंडियन आर्मी इज गार्डिंग कश्मीर, इंडियन आर्मी ना रहे तो कश्मीर में ये लोग ना जाने क्या करें, ऑल दीज ट्रेटर्स।
ठीक है, महेश्वरी जो है वो मतलब कि पाकिस्तानी एम्बेसी जो कि भारत में है उसके किसी एक मतलब ऑफिसर से कनेक्टेड था, और उसके साथ साथ जो मतलब एक पाकिस्तान में भी, जो पाकिस्तान में इसका जो कज़न था किशोर भाई, उससे भी इसके कनेक्शंस तो थे ही। उसके बाद पाकिस्तानी एजेंट ने ये कहा इसको, महेश्वरी को, कि तुम एक इंडियन सिम कार्ड लेके आओ जिस पे महेश्वरी जो है, महेश्वरी की जो सिस्टर है वो व्हाट्सएप एक्टिवेट कर देगी, और उसके बाद उस सिम कार्ड को लेके वो पाकिस्तान आ जाएगी। ठीक है, मतलब वीज़ा उसको मिल, हम लोग तुम्हारी सिस्टर को वीज़ा दे देंगे, तुम एक सिम कार्ड का जुगाड़ करो इंडिया में, उस पे व्हाट्सएप को एक्टिवेट कर लो और उस सिम कार्ड, इंडियन सिम कार्ड को लेके पाकिस्तान आ जाओ। ठीक है, यही है वो गद्दार, ये देखिए ये है इसका फेस, यही है, दिस इज़ लावर्धन महेश्वरी। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ये बोला कि पाकिस्तानी एजेंट ने, मतलब जो था पाकिस्तानी एजेंट, वो व्हाट्सएप यूज़ कर रहा था इंडियन सिम कार्ड पे पाकिस्तान में बैठ के, और वहाँ से बैठ के वो मैलवेयर, ब्लोटवेयर, वायरसेस जो था वो भेज रहा था इंडियन आर्मी के जवानों, ऑफिसर्स और उनके वार्ड्स, उनके बच्चों के फ़ोन में, और उनके फ़ोन से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराया जा रहा था। सिम कार्ड वॉज इशूड अंडर द नेम ऑफ मोहम्मद सकलेना। ध्यान से समझिए कि जब, देखिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए फ़ोन चलाने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए, एक सिम कार्ड चाहिए। तो मोहम्मद सकलैन जो गद्दार है, जो इस देश का मतलब नागरिक और गद्दार है, वो मोहम्मद सकलेन थायम, ध्यान से देखिए इस नाम को, जहाँ मिले उसको वहीं मारिए। मोहम्मद सकलेन थायम नाम का जो गद्दार है, जो इस देश का नागरिक भी है, उसने सिम कार्ड इशू करवाया। ठीक, उसके बाद इस सिम कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए एक फ़ोन चाहिए था, तो इस सिम कार्ड को ये जो गद्दार है अजगर हाजी भाई, इसने एक फ़ोन खरीदा, और इसके फ़ोन में, अजगर हाजी भाई के फ़ोन में जो सिम कार्ड जो था वो एक्टिवेट किया गया। तो मोहम्मद सकलैन गद्दार ने सिम कार्ड खरीदा और अजगर हाजी भाई गद्दार ने अपना फ़ोन खरीदा, उसमें सिम कार्ड लगा के एक्टिवेट कर दिया। अब क्या हुआ कि एक्टिवेट जब हो गया, तो आफ्टर एक्टिवेशन जो सिम कार्ड था उसको लाभशंकर महेश्वरी जी, जो तीसरा गद्दार है, इसके पास पहुंचा दिया गया, और ये सारे इंस्ट्रक्शंस पाकिस्तान एम्बेसी से बैठ के एक इंसान दिए जा रहा था। ठीक है, जब ये सिम कार्ड ये लाभशंकर महेश्वरी के पास पहुंचा दिया गया, तो लाभशंकर महेश्वरी की जो बहन है उसने इस सिम कार्ड को लिया, फोन लिया, सिम कार्ड लिया, और उसने अपने नाम से व्हाट्सएप जो है वो एक्टिवेट कर दिया उसी फोन पे। ठीक है, क्लियरली आप समझ रहे हैं। और उसके बाद उसको वीज़ा, पाकिस्तान वालों ने उसको वीज़ा दे दिया, और उसकी बहन जो है वो सिम कार्ड, वो फ़ोन, उस पर व्हाट्सएप एक्टिवेट करके वो पाकिस्तान लेके चली गई, जो कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो ऑपरेट करके इंडियन आर्मी के जवानों के इंफॉर्मेशंस को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को लीक कर रही है, चुरा रही है। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये पूरी कहानी बतानी इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि इनका एक नैरेटिव क्या है, एजेंडा क्या है, और किस तरीके से, कितने ज़्यादा, मतलब आप सोचिए कि कितने ज़्यादा थॉट प्रोसेस से ये लोग एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो और इंडियंस हम लोग जो हैं वो इजीली जो हैं वो मतलब यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। सो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, हर एक चीज़ से अवेयर रहिए, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी की फैमिली। ठीक है, जुलाई 2023 में भी हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ये कहा था कि एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है, कोई पाकिस्तान में बैठा है, पाकिस्तानी आर्मी का एक एजेंट है, जो कि वो एक व्हाट्सएप नंबर यूज़ कर रहा है, और उस व्हाट्सएप नंबर से वो क्या कर रहा है कि जो हमारे डिफेंस के, इंडियन आर्मी के जो हमारे सैनिक हैं, ऑफिसर्स हैं, या उनके बच्चे हैं, उनके जो फ़ोन है ना, उनमें वो क्या कर रहा है, मैलवेयर और वायरस भेज रहा है। कैसे भेज रहा है कि बहुत जो जो आर्मी जो जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर, सैनिक के बच्चे जो आर्मी स्कूल में पढ़ते हैं, उन बच्चों की सारी डिटेल्स को लीक कर दिया गया। अब चूंकि बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं तो उनके यहाँ जो पेरेंट्स का नंबर भी दिया जाता है, तो इसका मतलब कि बच्चे पढ़ रहे हैं, आर्मी के बच्चे पढ़ रहे हैं, इंडियन डिफेंस हमारे जो जवानों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके जो नंबर्स दिए गए, फ़ोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स, उन वो नंबर्स जो हैं वो लीक कर दिए गए। तो उस नंबर से क्या हुआ कि पाकिस्तान में बैठे जो एजेंट्स हैं उनको हमारे इंडियन डिफेंस पर्सनल्स का नंबर मिल गया।
अब उन नंबर्स पे व्हाट्सएप पे .ap के, जो कि एक .ap के फाइल, एक वायरस और एक मैलवेयर भी हो सकता है, उसके फॉर्म पे लोग मैलवेयर भेजने लगे। कैसे भेजने लगे ये भी देखिए। ये लोग उन इंडियन डिफेंस ऑफिसर्स, इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के एंड्रॉयड मोबाइल पे ये लोग भेजने लगे कि हर घर तिरंगा, जो हमारा इस बार कैंपेन था, पिछले साल भी था और इस साल भी था, जब हम लोग अगस्त में मनाते हैं, तो जुलाई में ये लोग भेजने लगे कि आप लोग क्या करिए कि हर हर घर तिरंगा कैंपेन है, तो आप लोग इस एप्लीकेशन, इस लिंक पे क्लिक करिए और अपने जो बच्चे हैं उसकी उनकी फ़ोटो तिरंगे के साथ इस पर अपलोड कर दीजिए। सोचिए किस हद तक, किस एक कितना एक एक मतलब सर्टेन और पिक्यूलियर नैरेटिव सेटअप किया गया है हमारे इंडियन आर्मी के जवानों और उनके बच्चों के सारे डिटेल्स को चुराने के लिए। तो यहाँ पे बस एक ही चीज़ कहने की बात होगी कि अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अलर्ट, अदरवाइज जो है ये दिक्कतें जो हैं वो और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। इंडियन आर्मी एंड अपने बच्चों के साथ, ठीक है। एक व्हाट्सएप यूज़र है और उसने कहा कि मैं आर्मी स्कूल का ऑफिशियल हूँ, और आर्मी स्कूल का ऑफिशियल खुद को बता के वो मैलिशियस एप्लीकेशन, ऐसा एप्लीकेशन जिसमें वायरस होते हैं, उससे या तो वो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट लिंक भेज रहा था या वो टेक्स्ट मैसेज में लिंक भेज रहा था और इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को वो क्या इंकरेज कर रहा था कि आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और अपने बच्चों की फ़ोटो नेशनल फ्लैग के साथ अपलोड करिए, ठीक है, और एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए, हर घर तिरंगा। सो आप सोचिए किस तरीके का नैरेटिव इन्होंने सेटअप कर रखा है और कितना इंफॉर्मेशन इनके पास है हमारे इंडियन आर्मी के पर्सनल्स और ऑफिसर्स को लेके। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वी आर लैकिंग बिहाइंड लाइक एनीथिंग, सो वी नीड टू यू नो जस्ट स्टेप अप फर्दर। और ये देखिए, ये टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सोशल मीडिया का हर एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये स्कैम हो रहा है, ठीक है, ये हमारे इंडियन आर्मी, ठीक है। तो पाकिस्तानी एजेंसीज ने, आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छे खासे हजारों बच्चों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, जो कि आर्मी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनके डिटेल्स जो हैं वो निकलवाने में वो सफल हुए। कैसे सफल हुए? वो ऐसे सफल हुए कि आर्मी स्कूल्स में जो है एक वेबसाइट, एक एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, डिजी कैम्प्स नाम से एक एप्लीकेशन है, जिससे जो कि एंड्रॉयड पर अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, और इस एप्लीकेशन से जो है आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो वाइफ हैं वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरते हैं। साथ में जो आर्मी स्कूल जो अपनी वेबसाइट्स जो मेंटेन करती हैं, अपने स्कूल की वेबसाइट्स, उस उन पे भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो वेबसाइट्स ना तो सिक्योर हैं, ना ढंग से उनको उतने प्रॉपर रॉबस्ट वे में बनाया गया है कि हैकर उसको हैक ना कर पाए, वो इतने मतलब ईजिली हैक हो जाती हैं कि सारे इंफॉर्मेशंस वहाँ से हैकरों ने निकाल लिया, पाकिस्तानी एजेंट्स ने निकाल लिया, और डिजी कैम्प्स ऐप भी इतना सिक्योर नहीं था, सारे इंफॉर्मेशंस वहाँ से निकाल लिए गए हैं, ठीक है। जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे हैं, साथ साथ में आर्मी ऑफिसर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स निकाल लिए गए, ठीक है। अच्छा, ये सारी स्कूल जो है ना, आर्मी स्कूल जितनी भी हैं, ये आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी जो है उनके अंडर में आती हैं, और आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी एक प्राइवेट बॉडी है जो कि इंडियन आर्मी जो है उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। ये देखिए, डिजी कैम्स यही वो ऐप है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। ये मैंने यहाँ से, ये एंड्रॉयड में जब मैंने चेक किया तो मुझे यहाँ इन्फॉर्मेशन यही मिला है, ये इसका लोगो है डिजी कैम्स का। अगर अभी भी आपके फ़ोन में, स्मार्टफोन में ये डिजी कैम्प ऐप है तो अभी के अभी आप इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, और कंप्लेन करिए कि कम्प्लीटली अनसेफ है, हमारे इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो गए हैं, आप इस पर काम करिए, इसको सेफ, इसको रोबस्ट बनाइए, सही करिए, सिक्योर बनाइए, तभी इसको हम इंस्टॉल करेंगे। पेमेंट, जो फीस की पेमेंट है, वो आप किसी और मॉड्यूल से। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि .ap के फाइल जो है वो व्हाट्सएप से, मतलब कि ये लोग भेज रहे थे, तो उन्होंने फोन को इन्फेक्ट कर दिया, पाकिस्तानी ऑपरेटिव ने, एक रिमोट ट्रोजन, एक मैलवेयर वायरस होता है उसको भेज के, अभी के साइबर अटैक, ये मैलवेयर है, और इसका मतलब ये हुआ कि समवन जो है कोई ना कोई आपके फ़ोन पे, टैबलेट पर नज़र रखे जा रहा है, तो इससे भी आपको अलर्ट रहना है। कोई भी लिंक आए, कुछ भी आए, तो आपको उसको क्लिक नहीं करना चाहिए जल्दी, ठीक है। दिस इज़ आर इंडियन आर्मी गार्डिंग कश्मीर, ना रहे हमारे इंडियन आर्मी तो सोचिए कश्मीर में क्या होगा। और जय हिंद, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैलवेयर देख लीजिए, मैलवेयर बहुत तरीके के होते हैं, वायरस हो गया, मैलवर्टाइजिंग हो गया, फाइललेस मैलवेयर हो गया, रूट किट्स हो गए, स्पाईवेयर हो गया, एडवेयर हो गया, ट्रोजन्स हो गए, वॉर्म्स हो गए, रैंसमवेयर हो गया, बॉट्स और बॉटनेट्स हो गए, ये सारे टाइप्स ऑफ मैलवेयर हैं, आपको इन सब से बच के रहना है, ठीक है। चलिए
अब सबसे बड़ा सवाल है कि इतना सब कुछ हो रहा है तो सेफ कैसे रहे हैं? एक गजब तरीके का नैरेटिव आप देखिए, गद्दार देश के बाहर तो दुश्मन बैठा ही है, देश के अंदर दुश्मन गद्दार सब बैठे हुए हैं। आपको इन सबसे लड़ना है, एकजुट भी रहना है, साथ में आपको ये जो साइबर आज के टाइम में जो एक वॉरफेयर है ये साइबर वॉर है। यहाँ पे हैकर्स हैक कर लेंगे आपके अकाउंट को, आपके बैंक अकाउंट को, आपके पर्सनल डिटेल्स को, आपके आपके सोशल मीडिया को, तो इन चीज़ों से भी आपको अलर्ट रहना है। तो किस तरीके से रहना है, सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले जो जिन जिन आर्मी ऑफिसर्स आर्मी के जवानों के घर में मोबाइल फ़ोन है और उन्होंने अपने फ़ोन में डिजिकैम से ऐप रखा हुआ है, उसको तत्काल प्रभाव से आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए जब तक इसको सिक्योर ना बनाया जाए, ठीक है। किसी भी तरीके का .apk फाइल, किसी भी तरीके का अनवांटेड अनट्रस्टेड फाइल, किसी भी तरीके का आप डाउनलोड मत करिए, उस पर क्लिक ही मत करिए। किसी भी इधर उधर के सोर्सेज पे प्लीज़ आप अपने मतलब कि मोबाइल फ़ोन में आप मतलब विजिट ना करें। किसी भी अनवांटेड सस्पिशियस लिंक को आप क्लिक मत करिए अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप पे, क्योंकि ऐसे लिंक्स मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू आ जाते हैं। इस पर क्लिक बिल्कुल मत करिए, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ठीक है। दिस इज़ आर इंडियन आर्मी गार्डिंग आर इंडियन बॉर्डर्स। और एप्लीकेशन जो हैं, जितने भी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद हैं, वो सारे के सारे प्राइवेसी और सिक्योरिटी टर्म्स पे जो हैं अभी भी रिव्यू में ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सिक्योर है, तो आपको जो है वो अलर्ट रहना है। जब भी आप किसी भी तरीके के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर रहे हैं, आप देखते भी होंगे कि आए दिन जितने बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल किया हुआ है और रिपोर्ट आती है कि इसमें मैलवेयर है और डेटा जो है वो चाइना जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, और हम लोग उसको सरकार उसको जो है वो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको बैन कर देती है, ठीक है। और बहुत बार आपके फ़ोन पे ये मैसेज आता है कि यू हैव वन 5 लाख रुपीज़, क्लिक ऑन दिस लिंक टू गेट योर मनी इन द बैंक अकाउंट। आपने 5 लाख रुपए जीत लिए, एक लिंक दे देगा, इस पर क्लिक करिए, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ऐसे किसी भी मैसेज पे कुछ बिल्कुल भी इग्नोर कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, बिल्कुल भी क्लिक मत करिए, ठीक है। मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट जो हैं आपके, आपका जो मोबाइल है, लैपटॉप, टैबलेट है, उन सबको अपडेटेड रखिए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से, ताकि लेटेस्ट स्कैम और मैलवेयर से आप लोग बच सकें, ठीक है। आगे बढ़िए, ईमेल फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ईमेल फ्रॉड ऐसे हो रहा है कि आपको ईमेल आ जाएगा कि यूरोपियन यूनियन कॉमनवेल्थ लॉटरी प्रमोशन से आपको 5 लाख आप डॉलर जीत गए हैं, और अगर आपको ये क्लेम करना है तो आप इस नंबर पे क्लिक करें, इस लिंक पे क्लिक करें। बिल्कुल भी ये फ्रॉड है, बिल्कुल भी, और ऐसे ही फॉर्मेट में आता है। इस फॉर्मेट को देखिए अच्छे से, इस पूरे वीडियो कहीं भी स्किप मत करिए। मैं सारी की सारे लिंक्स, मैसेजेस, सारे के सारे स्कैम्स को शेयर करूंगा अभी, और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कैसे हमें इन चीज़ों से अभी सारा का सारा तो एकदम प्रॉपर डिटेल में मैं सब कुछ आपको समझा दूंगा। ऐसे कोई भी फॉर्मेट में आता है आप उसको क्लिक ना करें। देखिए अभी आपको ये भी करना है कि सोशल मीडिया पे जाएं, राइट ट्वीट और पोस्ट करें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी को, इंडियन आर्मी को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप बताइए कि कितना बड़ा ग्रेव लूप होली, इतना बड़ा मिस्टेक। सोचिए कि मतलब कि हम लोग ये तक नहीं सोच पा रहे हैं कि आर्मी स्कूल है, इतना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस है, तो क्या आर्मी स्कूल की जो वेबसाइट है हम उसको सिक्योर नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, हम बना नहीं रहे हैं। ये हमारी एक कमी है जिसको हमने आज देखा है। इस कमी के कारण हमारे आर्मी के जवानों के, उनके बच्चों के पर्सनल डिटेल्स लीक हो गए, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस आर्मी में जो हमारे कहाँ हथियार रखे हैं, कहाँ गोला बारूद रखे हैं, कितनी हमारी कैसी हमारी मूवमेंट है, हमारी फोर्स कब कहाँ जा रही है, सब कुछ लीक हो रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा ये मुश्किल और कितने बड़े टेंशन की बात है। अभी के अभी सरकार को चाहिए कि जितने भी आर्मी स्कूल्स हैं और जो वेबसाइट्स वो मेंटेन कर रही हैं, उन सबको वो सिक्योर करें, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डिजी कैम्स एप्लीकेशन अगर आपसे नहीं चलता है, आप बंद कर दीजिए, आप इस ऐप को बंद कर दीजिए, और आप एक अच्छा ऐप बनाइए, और ऐसा ऐप बनाइए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर हो। एक अच्छा पूल ऑफ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को आप हायर करिए, अच्छी सैलरी दीजिए, सरकार ये काम करे, और ताकि ऐसा सिक्योर ऐप बनाए पेमेंट के लिए और डिटेल्स के लिए, हमारे आर्मी और डिफेंस पर्सनल के डिटेल, उनके बच्चों के डिटेल्स के लिए कोई उसको हैक ना कर पाए, लीक ना कर पाए। ये बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत सरकार को समझना पड़ेगा। इतना बड़ा मिस्टेक सरकार, मतलब कि आप गवर्नमेंट ये भी देख रही है कि किस तरीके से जो रेडिकल्स हैं, जो गद्दार हैं देश में, इतने भरे पड़े हैं और बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। कैसे दुश्मन हमारा पाकिस्तान और चाइना जो है वो बॉर्डर के उस तरफ खड़ा है, और वो यही ताक में रहता है कि कुछ हो और हम तुरंत अटैक कर दें। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों पर नज़र नहीं रख रही है, बहुत ही दुख की बात है। हमें वी नीड टू पैडल अप, वी नीड टू जस्ट पुट अप आर एफर्ट्स, और हमें इस पर ध्यान देके इसको सही करना ही होगा किसी भी हाल में, ठीक है। अच्छा,
बच्चों के जो डिटेल्स थे आर्मी जो डिफेंस ऑफिसर्स के बच्चों के इंडियन आर्मी के बच्चों के जो डिटेल्स थे उसको जो लीक किया गया, तो आप देखिए कि लीक कैसे हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन आर्मी स्कूल्स जो हैं उनमें भी कुछ ना कुछ गद्दार बैठे हैं। तो एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके जितने भी स्टाफ हैं जो कि इन वेबसाइट्स को हैंडल कर रहे हैं, प्रॉपर जाँच होनी चाहिए। एंड दैट इज़ अ प्रॉपर मेन इन्वेस्टिगेशन, डिटेल इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड इन दिस केस। ओके, तो ऐसे भी मैसेजेज आते हैं जो हैकर्स और स्कैमर्स के जो मैसेजेस हैं, जैसे कि ये भी मैसेज आएगा कि देर इज़ अ पार्ट टाइम जॉब, यू कैन यूज़ योर मोबाइल फ़ोन टू ऑपरेट एट होम, और आप 3,000 रुपये एक दिन में कमा लें, 10-30 मिनट्स आप काम करें और 3,000 रुपीज़ कमा लें। अरे भाई, ऐसा कौन सा काम है जिसमें आपने 30 मिनट काम किया और 3,000 रुपीज़ आपने कमा लिया? इट्स कम्प्लीटली फेक। ऐसा कोई भी मैसेज आए तुरंत, देखिए आप कह रहे हैं, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके फ़ोन में मैलवेयर वायरस आ जाएगा, आपका फ़ोन का डिटेल लीक हो जाएगा, ठीक, बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। ऐसे नंबर्स को व्हाट्सएप पे तुरंत रिपोर्ट करिए, नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। ये देखिए, COVID-19 हैज़ लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड, तो आप कम ऑन ज्वाइन अस अ टीम दैट कैन चेंज योर लाइफ, सक्सेस रिजर्व, ऐसे से नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल भी ये सब फेक है। तुरंत के तुरंत इसको ब्लॉक करिए, रिपोर्ट करिए। गवर्नमेंट, मैंने ये बात पहले भी बोली कि अच्छे मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करे सरकार, और ये सब मतलब आर्मी स्कूल्स के प्रॉपर एकदम मैनेजमेंट पे ध्यान दे। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, और इस तरीके से अगर होता रहा तो साइबर वॉरफेयर में भारत बहुत पीछे रह जाएगा। ऑलरेडी हम लोग बहुत पीछे हैं, हम लोग को बहुत यहाँ पर मेहनत की ज़रूरत है। देखिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ना बहुत वाइजली यूज़ करिए, बहुत ध्यान से यूज़ करिए। किसी भी अननोन लिंक्स को, URLs को आप जो है वो .apk फाइल्स को आप क्लिक मत करिए। वायरसेस ईजिली जो है वो आ जाते हैं एप्लीकेशंस के थ्रू। ऐसे कुछ भी आपको मैसेज आता है, कुछ भी आता है, तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। रिमेंबर, हमारा जो भारत का जो कंट्री कोड है +91 है, ठीक है, तो और +91 ये हमारा कोड है। अब इस कोड के अलावा किसी भी और कोड से अगर आपके नंबर व्हाट्सएप पे कुछ भी आता है, बिल्कुल भी आप उसको मतलब मत देखिए, तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। देखिए, ये भी एक फ्रॉड चल रहा था KBC के नाम पे कि ओनली व्हाट्सएप, जिस नंबर आपका लॉटरी नंबर ये है और आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये बिल्कुल फ्रॉड है। ये देखिए, पार्ट टाइम जॉब, वर्क डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट टास्क ऑनलाइन, फिर आप बस 15-30 मिनट काम करिए और आपको 60,000 पर डे मिलेगा। इतना बड़ा फ्रॉड, सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड है, ये कंप्लीट फ्रॉड है, तुरंत इसको ब्लॉक कर दीजिए। देखिए, अपने पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कभी किसी से शेयर मत करिए। क्रेडिट कार्ड को भी लेके बहुत फ्रॉड आजकल हो रहे हैं कि बोलेंगे मैं आपको क्रेडिट कार्ड बनवा दूंगा, आप हमें डेटा सब दे दीजिए, सारा इन्फॉर्मेशन, तो बच के रहिए ऐसे डिटेल से। कभी भी अपने डिटेल्स को, पासवर्ड को, अकाउंट डिटेल्स को शेयर मत करिए। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि सही में काम करता है वो कभी आपसे ऐसे डिटेल नहीं मानेगा। ट्रस्टेड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज़ करिए। एंटीवायरसेस बहुत सारे हैं, जैसे कि मैककेफे है, नॉर्टन है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, अच्छे होते हैं, नो डाउट, आपको थोड़ा पे करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली ये आपके डिवाइस को बचाते तो हैं पोटेंशियल थ्रेट से। और अपने आप को स्कैम्स के बारे में अवेयर रखें। अभी जैसे कि मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, तो खुद को भी आप यू नो कीप योर सेल्फ अप टू डेट कि क्या चल रहा है मार्केट में, अभी कोई नया स्कैम आया है, कोई नया किस तरीके से स्कैमर्स और फ्रॉडर्स फ्रॉड कर रहे हैं, तो यू नो जस्ट हैव योर आई ऑन यू नो दीज डे टू डे स्कैम्स एंड ऑल दीज इशूज गोइंग अराउंड, ठीक है। ये भी देखिए, डियर HDFC यूजर, योर HDFC नेट बैंकिंग अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड टूडे। आप देखिए कि अगर ग्रामेटिकली भी आप देखिएगा तो विल बी ब्लॉक्ड टूडे होना चाहिए, ED यहाँ पे होनी चाहिए ब्लॉक के बाद। ये कंप्लीटली फेक है, ऐसे लोग जो इनको जेल के अंदर होना चाहिए, ये सारे चोर, ये फेक लोग और ये स्कैमर्स फ्रॉडिया सारे, इन लोगों ने गंद मचा रखा है हमारे समाज में, तो इनको सीधे के सीधे ब्लॉक करिए, कोई भी इस पे ध्यान मत रखिए। और ऐसे लिंक पे तो बिल्कुल क्लिक मत करिए, ठीक है। प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक एंड अपडेट योर पैन कार्ड नंबर इमीडिएटली, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एकदम फ्रॉड है। ये देखिए, डियर कस्टमर, योर पेटीएम अकाउंट हैज बीन ब्लॉक, प्लीज अपडेट योर पैन कार्ड इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स, बिल्कुल फेक। भाई, पेटीएम तो ऑलरेडी मेरा चल रहा है, फिर भी ऐसे मैसेज आते हैं, तो ये लोग फ्रॉड है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपका फोन हैक हो जाएगा, पैसा वो लोग निकाल लेंगे आपके अकाउंट से, ठीक है। देखिए, अपने जो हमारे किड्स हैं, मेक आर किड्स अवेयर ऑफ सच नेफेरियस एंड एंटी नेशन एक्टिविटीज। अपने बच्चों को आप अवेयर करिए कि ऐसा जो हमारा ये जो हमारे देश के खिलाफ ये जो जंग चल रही है, साइबर वॉरफेयर, ये जो भिखारी, ये जो आतंकवादी मुल्क बैठा है हमारे पड़ोस पड़ोस में, ये इसकी नापाक हरकत है और नाम इसने पाकिस्तान रख रखा है, तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने के जो समय है बहुत ज़रूरी है। तो अवेयरनेस से ही हम जो है वो जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज तो फिर तो डेफिनेटली इश्यूज बढ़ते ही जाएंगे। मॉडर्न साइबर वॉर इसी को कहते हैं, और हमें मॉडर्न साइबर वॉर के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा।
भारत के जितने भी स्कूल्स हैं इन सब में इस मैटर को, साइबर वॉर का मैटर, स्कैम का मैटर, फ्रॉड का मैटर को आप उठाइए, ताकि चिल्ड्रन जो है वो उन चीज़ों से अवेयर रह सके। एक बात हमेशा याद रखिए कि जो हमारा दुश्मन है वो बॉर्डर के उस तरफ ही नहीं है, वो घर के अंदर भी बैठा है, तो आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, देखिए, डियर कस्टमर, योर अकाउंट इज करेंटली अंडर रिव्यू, प्लीज कंप्लीट द फॉलोइंग सिक्योरिटी टू अवॉइड सस्पेंशन। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल फ्रॉड, ऐसे फ्रॉड मैसेज आते रहेंगे। ये देखिए, फेसबुक से भी एक फ्रॉड मैसेज आया था, योर अकाउंट विल बी डिसेबल्ड। बेमतलब का कह रहा है अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, आप रिकन्फर्म करिए ताकि आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक ना हो, इस लिंक पे क्लिक करिए और आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। ये एकदम फेक है, ये आप क्लिक करेंगे आपका डिटेल जो है वो हैक कर लिया जाएगा। ठीक है, देखिए, अपने जो किड्स हैं उनके साथ रेगुलर कन्वर्सेशन ज़रूर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डे टू डे कि वो मतलब कि कैसे स्मार्टफोन्स को यूज़ कर रहे हैं, वो स्मार्टफोन्स में क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे वो क्या कर रहे हैं, वो क्या फोटो पोस्ट कर रहे हैं, वो क्या करते जा रहे हैं, वो सोशल मीडिया कैसे यूज़ कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, कलीग्स कैसे हैं, टीचर्स का उनके उनसे बर्ताव कैसा है, डे टू डे लाइफ में स्कूल में क्या हुआ, होमवर्क क्या है, घर पे क्या हो रहा है, स्कूल मैनेजमेंट कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने किड्स को बिठा के पूछना चाहिए, डे टू डे बेसिस से पूछना चाहिए, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया लगते रहे पेरेंट्स को कि चल क्या रहा है अपने किड्स के लाइफ में। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए, ब्लोट वेयर्स, हॉट ऐप्स, आजकल ये जितने भी ये जो चाइनीज जो ये जो ब्रांड्स हैं जो कि स्मार्टफोन्स निकालते हैं, तो कम दाम के रहते हैं, बहुत लोग ले भी लेते हैं, हमारे घर में भी हैं, रियलमी, ओप्पो, वीवो, लेनोवो, शाओमी, जेटी, हुआवे, ये सारे चाइनीज ब्रांड्स हैं, सबके फ़ोन। इनफैक्ट हुआवे को तो अमेरिका ने बैन भी कर दिया था, क्योंकि हुआवे जो है वो लोगों का डेटा स्टील करके, चोरी करके चाइना भेज रहा था। जेटी से डेटा चोरी होकर चाइना जाता है, शाओमी पे सरकार ने कितने प्रतिबंध लगा रखे हैं कि ये डेटा जो है वो चाइना भेज रहा था। रियलमी में देखिए आजकल ये ब्लोटवेयर, ये आजकल जब आप रियलमी का फ़ोन लेंगे, शाओमी का फ़ोन लेंगे, तो आपके फ़ोन में हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, ऐप मार्केट, ये सारे इन इन फोन्स में प्रेजेंट रहते हैं। या तो आप इनको इंस्टॉल करिए या आप डिसेबल कर दीजिए ऐसे अनसिक्योर एप्लीकेशन को। इस चैनल पे, धैर्य आया चैनल पे, मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया है कि कैसे आप रियलमी के फोन्स में ये सारे जितने भी ये जो हॉट ऐप्स, ब्लॉटवेयर्स, हॉट गेम्स को आप डिसेबल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मतलब आपको करना हो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे, ये देखिए, ये हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, ऐप मार्केट, अरे भाई, जब गूगल प्ले स्टोर ने एंड्रॉयड पे दिया हुआ है, हमें कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो हम गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां से इंस्टॉल कर लेंगे। तो तुमने अपने तरीके से ये ऐप मार्केट क्या बना दिया है? ऐप मार्केट में, ऐप मार्केट, इसने एक अपना ऐप, एक मार्केट बना रखा है, इसमें इसने ऐप्स डाल रखे हैं और ये कहता है वहां से भी इंस्टॉल करो। क्यों करें तुम्हारे मार्केट से इंस्टॉल व्हेन आई हैव गूगल प्ले स्टोर? तो ये अलग तरीके का यहाँ इनका दुनिया चल रहा है, इनसे भी आपको बचना है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, जो आप रियलमी के फोन्स लेंगे तो आप देखिए रियलमी के फोन्स में, ये देखिए, ये आपको हॉट ऐप दिखेगा, दिख रहा है आपको हॉट ऐप्स? कोई मतलब नहीं है, इसमें गंदे गंदे एड्स आते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो फ़ोन यूज़ करते हैं और उसमें इतने एडल्ट एड्स आने लगते हैं, गंदे गंदे एड्स आते हैं, गंदे गंदी चीज़ें आने लगती हैं। कोई भी मतलब नहीं है कि ऐसे एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में हों। सोचिए कि रियलमी क्या कर रहा है। ऐप मार्केट, ये देखिए, यहाँ पे आपको ऐप मार्केट दिख जाएगा सिस्टम ऐप्स में, ये भी एकदम बेकार है। इसके साथ साथ ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे हॉट गेम्स, ये देखिए ये हॉट ऐप्स, ये दिख रहा है आपको, ये सारे, ये सब का सब एकदम बेकार है। ये सब बिल्कुल फ़ोन में नहीं होना चाहिए, इसमें गंदे गंदे एड्स आते हैं, ब्लोटवेयर्स, मैलवेयर सब आते हैं इसमें। सो हमें इन चीज़ों से अवेयर रहना है। और अगर आप ये फ़ोन्स यूज़ भी करें, आप सोचिए कि ये चूंकि फ़ोन्स जो हैं वो अगर थोड़े कम दाम के भी मिल रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग इन फोन्स को यूज़ कर रहे हैं, और हमारे इंडियन आर्मी में ना जाने लाखों लोग होंगे जो रियलमी के फोन्स यूज़ करते होंगे, ठीक है, शाओमी के फोन्स यूज़ करते होंगे। सोचिए कितना डेटा चोरी हो रहा है। सरकार को इस पे सोचना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा और इस पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये देखिए, और भी मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ जो कि मुझे भी आए थे। डियर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट योर CV हैज़ पास, आपका CV पास हो गया, आपको 21,000 रुपये मिलेंगे, आप इस पर क्लिक करिए। ब्लडी हेल, क्या है ये नॉनसेंस? ये बिल्कुल झूठ है, ये फ्रॉड है, ऐसे ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए। देखिए फ्रॉड, ये कह रहा है ऑनलाइन प्रोजेक्ट है, 28,500 आप ले लो पैसे, क्लिक कर लो। अरे, मैं जो भी लोग इस वीडियो को देखें, मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको जितने से भी आप शेयर कर सकते हैं करें, ताकि जितने भी ऑनलाइन स्कैम्स हैं, फ्रॉड्स हैं, इन सब का इन्फॉर्मेशन जो है, इन सब के प्रति अवेयरनेस जो है वो पूरे भारत में सबको मिले, सबको पता चले। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, योर अपॉइंटमेंट फॉर मीटिंग न्यू फीमेल पार्टनर आर एग्जीक्यूटिव कैन अरेंज्ड, कॉल फॉर कन्फर्म नैना। ये देखिए नंबर भी आया हुआ। अरे भाई, इंग्लिश भी ठीक से लिख लो, ग्रामेटिकल एरर्स भी इतने सारे हैं, क्या लिख रहे हो ये सब? ये मैसेजेस जो हैं हम लोग के फ़ोन पे आए हुए हैं, बताइए। हेलो, माय नेम इज नेहा, अर्जेंटली नीड न्यू स्टाफ, 31,500 रुपये ले लो।
कम्प्लीटली फेक है, और जो आजकल की हमारी युवा पीढ़ी है वो ऐसा ऐसा नाम देख के जो है वो थोड़ा सा ल्योर हो जाती है और बह जाती है और उस पर क्लिक करके फंस जाती है, तो ये भी ना करें आप लोग, ठीक है। हाई नेहा, अर्जेंटली नीड न्यू स्टाफ, आओ 21,000 रुपये ले लो, कम एंड गेट योर सैलरी 21,000। किस बात की 21,000 रुपये दे रही हो भाई? मुझे समझ नहीं आती कि भाई कैसे लोग हैं ये लोग, ऐसे लोगों को उठा के जेल के अंदर फेंकिए या उठा के ख़त्म ही करिए सीधा। ऐसे लोगों का रहने, इस भारतवर्ष पर ऐसे लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। चलिए आगे बढ़िए। इनफैक्ट एप्पल के फोन्स में भी प्रॉब्लम हुई, और एप्पल के फोन्स में ये कहता है कि डियर कस्टमर, आपकी एप्पल आईडी को है जो है वो लॉक कर दिया गया, अनलॉक करना है तो आपको मतलब कि इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर, तो ये बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल भी फ्रॉड है, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए पेमेंट, हाँ पेटीएम पेमेंट बैंक में क्या हो गया कि पेटीएम पेमेंट बैंक में मैसेज आने लगा कि हम आपके पेटीएम अमाउंट को होल्ड कर लेंगे, आप केवाईसी करें इस पे, पेटीएम ऑफिस ये रहा, ये बिल्कुल भी फ्रॉड है। पेटीएम ने भी ये बात बोली थी कि ये फ्रॉडस्टर्स हैं जो कि आपके डिटेल्स लेना चाहते हैं, पैसा निकालना चाहते हैं, हम ऐसा SMS बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे, ठीक है, KYC कंप्लीशन के लिए। तो मैं भी कहता हूँ कि जो भी लोग पेटीएम यूज़ करते हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को यूज़ करते हैं, वो ऐसे मैसेज आए तो बिल्कुल भी उस पर ध्यान ना दें, ब्लॉक करें, डिलीट करें, बिल्कुल भी क्लिक ना करें, ठीक है। ये देखिए बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो आपका बैंक क्लोज कर देगी, कंफर्म करने के लिए पिन दे दी, तो ये तो सीधे पिन ही मांगने लगा इस लिंक पे जाके हद की बात है, दिस इज हॉरिबल। सोचिए, और लोग भी इतने सीधे हैं बेचारे कि पिन दे देंगे और फंस जाएंगे, सारे पैसे निकल जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस पर थोड़ा कंसर्न रखिए, बच के रहिए। YouTube पे भी आप देखिए, YouTube जो लोग चलाते हैं, यूट्यूबर्स हैं, उसको उनको भी मैसेज आया कि हमने रिसीव किया है कि आपके चैनल पे बहुत सारे स्पैम वीडियोस हैं, आप चेक करें, एडिट करें स्पैम वीडियोस को, और इस पे डिटेल्स के लिए क्लिक करें, क्लिक करिएगा आपका डेटा गायब। टेलीग्राम पे बहुत हैकिंग हो रही है, तो बच के रहने की ज़रूरत है। और देखिए फेसबुक पे देखिए कैसे हो रहा है कि गेट स्टार्टेड, हेलो जुआना, योर पेज हैज़ बीन शेड्यूल फॉर परमानेंट डिलीशन, आपका पेज परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा, अगर आपको अपील करना है, बचना है तो अपील नाउ करिएगा, आपका डेटा गायब। कितना बड़ा फ्रॉड है, और ऊपर से फेसबुक पासवर्ड रीसेट कोड भी दे रहे हैं ये लोग, और कह रहे हैं कि रिप्लाई स्टॉप और गो टू दिस लिंक और टू टर्न ऑफ मैसेज, इस पर क्लिक करिए और मैसेज को, ये बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है। आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करिएगा, आपका डेटा गायब, आपके पैसे गायब, तो अलर्ट रहिए आप। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं आप ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखिए, इनका फॉर्मेट देखिए, और ऐसा कुछ भी आता है तो अलर्ट रहिए, और अपने आसपास के सभी लोगों को इनसे अलर्ट करिए, इस वीडियो को जो है सबको आप जो है वो शेयर करके पहुंचाइए सबके पास, ताकि लोग अलर्ट रहे, ठीक है। एक और भी मैसेज आया, फेसबुक इंपॉर्टेंट नोटिस, वी आर सेंडिंग दिस नोटिफिकेशन बिकॉज योर लास्ट पोस्ट वॉज रिपोर्टेड, बिल्कुल बिल्कुल फेक फ्रॉड, एकदम फ्रॉड, ठीक है, बच के रहिए ऐसे मैसेजेस से। OLX पे भी बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। OLX पे क्या था, एक बार मैंने अपना रेफ्रिजरेटर और AC मुझे सेल करना था, तो जैसे ही मैं OLX पे गया, और ये रियल स्टोरी, जैसे ही मैं OLX पे मैंने अपना पोस्ट डाल दिया, तो एक और देखिए मतलब इंडियन आर्मी के नाम पे OLX पे कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। एक आदमी आया, उसने कहा कि हाँ मुझे खरीदना है, मैं पैसे अभी भेज रहा हूँ। मैंने कहा कि ना तो इस इंसान ने मेरा सामान देखा आके घर पे, ना कुछ, और ये वहीं से बोल रहा है बिना देखे 10 मिनट के भीतर मैं पैसे भेज रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, आप देख लो फिर भेजना। उसने कहा नहीं, मैं भेजता हूं, और वो और उसके बाद फिर उसने मुझे ना एक QR कोड भेज दिया मेरे फोन पे, और उसने कहा कि इसको स्कैन करिएगा तो टोटल हमारी जो मतलब पैसे की बात हुई थी वो हुई थी 15,000। तो उसने कहा कि इसको स्कैन करिए और 15,000 जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मैंने जब उसको स्कैन किया तो मुझे ही 15,000 वहां पे लिखने लगा कि आप उस पे क्लिक करिए, 15,000 आप अमाउंट भरिए, और जैसे ही मैं ओके क्लिक करता मेरे ही अकाउंट से पैसे कट के उसके अकाउंट में चले जाते। सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। OLX पे आजकल इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है कि प्लीज़ जो भी लोग OLX पे सामान अपना बेच रहे हैं, प्लीज़ जो भी मैंने अभी बताया इससे आप बच के रहिए। और जब मैंने उससे पूछा तो वो बार बार बोल रहा है कि हाँ जो ये जो QR कोड है ये इंडियन आर्मी के मर्चेंट साइट का QR कोड है, इंडियन आर्मी का नाम बदनाम कर रहा था वो। सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को सीधे जेल के अंदर डलवाइए, और OLX पे बच के रहिए, बिल्कुल भी बच के रहिए। सीधे ये देखिए फ्रॉडस्टर्स आपको ये लिंक भेजेंगे और आपका पैसा गायब हो जाएगा। ऐसे आएगा, देखिए स्कैनिंग अ QR कोड, वो आपको बोलेगा स्कैन दिस QR कोड, वो आपको फोन पे ही QR कोड भेज देगा, तो वो ये बोलेगा कि आप जैसे ही स्कैन करोगे इस QR कोड को, पैसे आप उसके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। पर ऐसा होगा नहीं, जैसे ही आप पैसे का जितना अमाउंट है आप क्लिक करोगे और ओके करोगे, पैसे आपके अकाउंट से ही कट जाएंगे उल्टा, ठीक है। ध्यान रखिए, OLX से बहुत फ्रॉड हो रहा है। देखिए
एक चीज़ बहुत ज़रूरी है हमें जो इस बात पे ध्यान रखना और समझना है वो ये है कि हम लोग भारत जो है हर एक मतलब की परेशानियों से घिरा है। हमारा जो देश है, हमारा देश हर एक परेशान, चाहे जात पात की बात हो, धर्म की तो बात ही मैं नहीं करता क्योंकि मैं दूसरे धर्म की बात क्या ही करूँ इस पर। जात पात में हम बटे हैं, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात हो, जिस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, तो हर एक चीज़ पर हमें अपने आप को अभी निखार के आगे आना है, ठीक है। और उसके साथ साथ दुश्मन घर के बाहर भी बैठा है, बॉर्डर पर भी बैठा है, बॉर्डर के अंदर हमारे यहाँ भी बैठा है, इनसे भी लड़ना है, ठीक है। हमें अपने हिंदुस्तान को इतना आगे लेके जाना है तो हर एक मैटर पर हम लोग अवेयर रहना है। कम से कम अगर हमारी सेना बॉर्डर पे लड़ रही है तो हम भारतीयों का ये फर्ज है कि हम भी अपने आप को नए साइबर वॉरफेयर से खुद को अवेयर करें कि कोई भी हैकर फ्रॉडिया हमें फ्रॉड हमारे साथ फ्रॉड ना कर दे, हमारे डिटेल्स को ना हैक कर दे। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अवेयरनेस फैलाए, और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो आर्मी स्कूल्स की वेबसाइट्स हैं, आर्मी स्कूल्स के जो पेरेंट्स हैं, जो आर्मी स्कूल के बच्चों की फी पे करते हैं, उनके उनके लिए जो एप्लीकेशन है उसको इतना सिक्योर बनाए कि उसको हैक ना कर पाए। सरकार की जिम्मेदारियां भी हैं यहाँ पे और हमारी खुद की भी जिम्मेदारियां हैं, और ऐसे ही मिलकर हम लोग देश को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।